नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे दो बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक मेरा बड़ा बेटा है, वो 5 साल का है, और श्लोक जो है वो ऑलमोस्ट 4 साल का है। तो जो मेरा बड़ा बेटा है सात्विक, उसको ऑटिज़म है और उसकी थेरेपी मैं घर पर ही कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो इस फ़ायदे को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सारी वीडियोस बना बना के जो भी मैं घर पर उसके साथ थेरेपीज करती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, जो भी अपने एक्सपीरियंस के साथ जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, वो आप लोग उन लोगों तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि उन्हें घर पर ही थेरेपी मिले, जिनके आसपास कोई भी थेरेपी सेंटर नहीं है, या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं थेरेपी की फ़ीस, उन लोगों के साथ मेरी ये वीडियोस शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले, उनका बच्चा भी इम्प्रूव हो, और वो ये ना सोचें कि उन्हें की उनको थेरेपी नहीं मिल रही है तो उनका बच्चा ऐसे ही रह जाएगा। नहीं, उनका बच्चा भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो आज की ये वीडियो है किसी थेरेपी के ऊपर नहीं है। मैं आज ये बनाने जा रही हूँ लोगों की कमेंट्स पर। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सात्विक के बारे में कुछ बताओ, कि वो कौन से लेवल का ऑटिस्टिक बच्चा है, आपने कहाँ पर थेरेपी दी, आपने कितने साल उसको थेरेपी सेंटर में थेरेपी दी, आपने घर में कितने साल से दे रहे हैं, या फिर घर पे जो है कितने टाइम थेरेपी देते हैं, कितनी देर थेरेपी देते हैं, कितना फ़ायदा उसे मिला है, पहले किस लेवल का था, अभी किस लेवल का है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सात्विक के बारे में। तो आज मैं सात्विक के बारे में ही आपको बताने जा रही हूँ कि उसे उसकी क्या जर्नी रही है अभी तक की। अभी भी उसे काफ़ी सारे उसमें सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ कि सात्विक 2018 में पैदा हुआ था, 27 जून 2018 को। जब वो पैदा हुआ था वो प्रीमेच्योर बेबी था, 2 महीने पहले वो पैदा हो गया था, और लगभग 1.5 किलो का वो पैदा हुआ था। बहुत कम वेट था उसका, लेकिन ठीक था सारा, उसकी तबीयत ठीक थी, उसे और कोई बीमारी नहीं थी, उसे ना ही वेंटिलेटर पर रखा गया था, उस डॉक्टर ने डायरेक्ट हमें ही दे दिया था, उसकी नॉर्मल ही डिलीवरी हुई थी। तो उसके बाद ठीक ही था, सब कुछ सही चल रहा था। उसके जो माइलस्टोन्स थे वो भी थोड़े से लेट थे, ज़्यादा नहीं, मतलब 1-2 महीने ही लेट चल रहे थे। जैसे कि उसने बैठना, जैसे नॉर्मली बच्चे 6 महीने में बैठना शुरू कर देते हैं, तो उसने 8 महीने में बैठना शुरू किया। बच्चे 8 महीने में खिसकना शुरू करते हैं, तो उसने 10 महीने में शुरू किया। बच्चों के साल भर से पहले दांत आ जाते हैं, तो उसके साल भर के बाद आए, और उसने खड़ा होना भी साल भर के बाद ही शुरू किया। तो मुझे मतलब थोड़ा सा रहता ही था कि जब वो बैठता नहीं था तो मुझे लगता था कि यार अभी तक बैठा नहीं है, खिसकता नहीं था तो ये लगता था कि खिसक नहीं रहा है। फिर लेकिन धीरे धीरे वो अचीव कर रहा था अपने माइलस्टोन्स, तो मुझे इस टाइप की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब वो 1 साल तक था तो वो अच्छा खासा नॉर्मल था, वो अच्छे से मतलब बात क्या मतलब वर्ड्स बोलता था, वो पापा बोलता था, वो उससे अगर बुलवाओ काओ तो वो काओ भी बोलता था, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे लेकिन उसके बाद 1.5 साल तक, 1.5 साल तक आते आते, यानी कि जब सात्विक 2.5 साल का हुआ तब तक उसे ऑटिज़म डायग्नोस हो गया। अब शायद ये मेरा दूसरा बच्चा, जब सात्विक 1.25 साल का था तब मेरा श्लोक आ गया था, तो इस वजह से भी हो सकता है। और थोड़ा सा उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी कि वो जैसे क्या होता है कि अगर कोई घर पर आ जाता है तो बच्चे खुश होते हैं, तो ये देखता ही नहीं था उनकी तरफ, ये थोड़ी प्रॉब्लम थी उसको 1 साल में, जब वो 1 साल का था। लेकिन बाकी सब वो देखता था, आई कॉन्टेक्ट भी था, कहाँ जाना है तो बताता था कि वहाँ जाना है। लेकिन फिर धीरे 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 ये सब कम हो गया उसका, और उसका बोलना भी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया ना, वो कुछ भी पहचान, पहले बॉडी पार्ट्स के नेम भी बताता था, लेकिन उसके बाद वो उसने सब कुछ बताना बंद कर दिया था। फिर जब 2.5 साल में हमें पता चला, हमारे किसी रिलेटिव के थ्रू जो कि एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया हमें कि सात्विक को कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सब लोग नोटिस कर रहे थे, सब लोगों को दिख ही रहा था कि इसमें कुछ अलग तो है।
तो फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे ये सब दिखा कि हाँ कि ऑटिज़म हो सकता है। तो हमने कुछ नहीं सोचा, हम सीधा चले गए एम्स में दिखाने के लिए। हमने कहीं और नहीं दिखाया, हमने सीधे एम्स में गए। वहाँ डायग्नोस हुआ उसे मॉडरेट लेवल। हाँ, हालांकि उन्होंने मॉडरेट लेवल ही बोला था उन्होंने। उसके बाद हमने पीजीआई में भी दिखाया उसे, तो उन्होंने मॉडरेट टू सीवियर लेवल बोला था, लेकिन हम उसे मॉडरेट लेवल मानकर ही चल रहे हैं कि उसे मॉडरेट लेवल का ऑटिज़म था। तो फिर उसके बाद क्या किया कि हम लोगों ने उसकी थेरेपी स्टार्ट करी। पहले हमने थेरेपी सीधे हमने स्टार्ट कर दी थी स्पेशल एजुकेशन पर। हालांकि हमने पहले सेंसरी इश्यूज पर ध्यान देना चाहिए था, उसकी ओटी शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये गलती करी कि पहले स्पेशल एजुकेशन में हमें उसे डाल दिया, क्योंकि हम इतनी जानकारी नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि नहीं, पहले ओटी ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद हमने उसकी ओटी स्टार्ट करी। फिर जैसे जैसे उसकी ओटी स्टार्ट करी, उसकी स्पीच आने लगी, थोड़ा बोलने लग गया। जब वो 3 साल का था, 3 साल कुछ महीने का था, 3.5 साल का, तब उसका ए बी सी डी बोलने लगा। ए बी सी डी जब वो बोलने लगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके सेंसरी इश्यूज़ थे वो भी कम होने लगे। उसको सारे सेंसरी इश्यूज़ थे, उसको विजन की प्रॉब्लम थी, उसको स्मेलिंग की प्रॉब्लम थी, उसको ओरल मोटर्स की प्रॉब्लम थी, उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम थी, और टचिंग की प्रॉब्लम थी, उसको वेस्टिबुलर की प्रॉब्लम थी, और आपका ये प्रोप्रायोसेप्टिव इसकी भी प्रॉब्लम थी। अब उसको ये सब प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन बहुत कम लेवल में है। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो चुकी है, लेकिन है अभी भी। इसलिए मैं उसकी थेरेपी दे रही हूँ। पहले मैंने जब वो 3 साल का था, तब मैंने उसकी थेरेपी स्टार्ट करी थी, और 1 साल तक लगभग, सॉरी 2.5 साल का था जब वो, 2 साल 10 महीने ऐसे, तब उसकी थेरेपी स्टार्ट करी थी। तो 1 साल मैंने उसको थेरेपी सेंटर में लेके गई। वहाँ थेरेपिस्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कैसे थेरेपी देनी है, क्या करना है, कितना प्रेशर देना है, जिम बॉल से कैसे देनी है, सब कुछ सिखाया। तो वही थेरेपी मैं अब साध्वी को घर पर ही देती हूँ, और वही फ़ायदा मिल रहा है जो उन्होंने 1 साल तक दिया, वो मैं रेगुलर दे रही हूँ। और मैं क्या क्या थेरेपी देती हूँ उसको, मैं एक तो जिम बॉल एक्सरसाइज में करवाती हूँ, उसको ब्लैंकेट वाली थेरेपी करती हूँ, और उसके जितने भी सेंसरी इश्यूज़ की प्रॉब्लम है, विजन से रिलेटेड वो थेरेपी मैं करती हूँ, स्मेलिंग से रिलेटेड वो थेरेपी मैं करती हूँ, और ओरल मोटर की जो एक्सरसाइज होती है वो मैं करती हूँ, हेयरिंग वाली जो एक्सरसाइज है वो भी मैं करती हूँ, और वेस्टिबुलर और टचिंग सारी थेरेपी करती हूँ। जिम बॉल एक्सरसाइज, जॉइंट कॉम्प्रेशन और जो ब्लैंकेट रैपिंग है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जो सेंसरी इश्यूज़ की जो एक्सरसाइज हैं, उसमें बहुत कम टाइम लगता है। 5-5 मिनट अगर आप हर चीज़ में देंगे तो सारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी। और दिन के 2 टाइम अगर देते हैं तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। मैं भी 2 टाइम देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा दे सकूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही टाइम देती हूँ, और कभी कभी ये हो जाता है कि मैं बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ। जिस दिन मैं बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ, उस दिन मैं चलते फिरते जॉइंट कॉम्प्रेशन में दे ही देती हूँ। जैसे अगर खाली बैठी हूँ तो मेरा बच्चा मेरे पास आया, तो मैंने उसे जॉइंट कॉम्प्रेशन वहीं पर दे दिया। जॉइंट कॉम्प्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे को काम करने के लिए। बच्चा जब काम डाउन होगा तभी वो कुछ सीख सकता है। यही मैंने सात्विक पर भी किया। वो पहले उसे मैंने काम डाउन किया, फिर उसने और चीज़ें सीखी। फिर उसने जब वो 4 साल का जब कंप्लीट हो गया था, 4.5 साल का जब वो पहुंचा, उसने तब खुद से बोलना स्टार्ट किया कि मुझे दूध दूध दे दो, पानी दे दो, ये चाहिए, अपनी ज़रूरत की मन की चीज़ें। अब वो 5 साल का लगभग होने वाला है, अब वो एक्स्ट्रा चीज़ें अपने मन से बोलता है, अपने मन से सेंटेंस बनाने लगता है। पहले तो वही चीज़ बोलता था कि मैं जो जो भी मैं उसे सिखा रही हूँ वही चीज़ बोलता था, अब अपने मन से चीज़ें बोलने लग गया है, और काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि सात्विक में भी ये होता है कि अभी कोई सेंसरी इश्यूज़ उसमें कम हुए तो 6-7-8 महीने के बाद वो सेंसरी इशू दोबारा बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि एक चीज़ अगर ख़त्म हो गई है तो दोबारा आ सकती है। ये कब ठीक होती है? ये ठीक होती है तब जब आपका बच्चा रेगुलेट करना सीख जाए किसी भी चीज़ को। जैसे अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको अजीब सा महसूस होगा कि हाँ ठंड अब स्टार्ट हो गई है, हमें स्वेटर पहन लेना चाहिए। इन बच्चों को नहीं समझ आता। जब ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी तो इसका मतलब कि आपको थेरेपी की ज़रूरत अब नहीं है, बच्चे रेगुलेट करना सीख गए हैं। हालांकि उन्हें हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेंगे। तो
तो जब आपके बच्चे ने रेगुलेट करना सीख लिया है तो इसका मतलब अब उसे थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पड़ सकती है, किसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत लोग मुझसे ये सवाल भी पूछते हैं कि कब तक थेरेपी करानी पड़ेगी, कब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक तभी हो सकता है जब उसे ये लगेगा कि हाँ, इस सोसाइटी में मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, इस सोसाइटी में मैं कोई भी चीज़, अगर मुझे कोई भी सेंसरी इशू मुझे प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं रेगुलेट कर सकता हूँ उस चीज़ को, कि मतलब मैं टॉलरेट कर सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ, तब आपकी थेरेपी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बच्चा एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस संडे को मैं इसी तरह की वीडियोज़ लेके आऊँगी, कुछ सात्विक के बारे में और कुछ जो लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बहुत डीमोटिवेट हैं, जो मोटिवेट होना चाहते हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।